अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने बोला करो एंड आई यूज द प्रोडक्ट, सो मैंने किया एंड एब्सोल्युटली पेनलेस. अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो डेफिनेटली इट रिड्यूसेस ऑल काइंड ऑफ स्मेल एंड वो लिंगरिंग स्मेल रहता भी है, यू नो इट एलिमिनेट्स द स्मेल. सो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम सेइंग यस, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स बट आई हैव यूज्ड इट फॉर क्वाइट सम टाइम. इनफैक्ट आई बीन यूजिंग दिस राइट नाउ. अभी मेरे घर में 2 महीने का डॉगी है. सो यू नो हाउ डॉगी वो लोग सब गंदा करते हैं. गंदा मतलब क्या करते हैं? सो दे डू गंदा. बोलो ना शर्मा नहीं, बच्चा गंदा करता है. सुसु पॉटी दे डू, सो आई क्लीन इट अप और मैं सब उसमें एम्बिप्योर ही, फुल हाउस इज फुल स्मेलिंग ऑफ एम्बिप्योर. देखिए थोड़ा बहुत फिटनेस करता हूँ मैं, खाने पे थोड़ा ध्यान रहता हूँ, बहुत खाने का शौकीन हूँ. ये बहुत ही कमाल का खाना पकाती है, प्यार से पकाती है, तो और खाने का दिल दिल होता है. लेकिन आई थिंक मेंटल हैप्पीनेस में फिटनेस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. लोग अपना बॉडी बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वॉक पे जाते हैं. मैं करता हूँ अपने लेवल से करता हूँ, लेकिन अगर हम स्ट्रेस लेते हैं ना, स्ट्रेस टू मी इज़ द बिगेस्ट किलर. यू रिमेन हैप्पी, कंटेंट, ऑटोमेटिकली आपके 5-7 साल बढ़ जाते हैं. अगर आप जितने भी फिट हो लेकिन टेंशन में, अगर आपको कोई चीज़ खाती जाती है हमारे अंदर को, वो सबसे बड़ा किलर है. वी नो सो मेनी वेरी फिट, वेरी हेल्थ कॉन्शियस पीपल, 52 में कुछ टक हार्ट अटैक, डन ओवर. सो सैड बिकॉज दे शुड बी मेंटली एजाइल एंड मेंटली हैप्पी टू बी एजाइल ऑल द टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगता है काम पे जाने में. मैं उठ के कभी भी ऐसे सोचता नहीं कि सुबह उठ कर यार छूट पे जाना है, कभी भी नहीं. बी एक्साइटेड टू गो टू वर्क. अगर आपको यहाँ पे आना है तो ऐसे नहीं सोचना ये कैमरा उठा के, यू विल बी एक्साइटेड टू गो टू वर्क. आई मीन नॉट एक्साइटेड टू सी मी बट एक्साइटेड टू गो टू वर्क. बट आई फील फिटनेस का राज वो है, ईट ईट इन कंट्रोल, एक्सरसाइज, कीप योर मसल्स मूविंग, बट एट द सेम टाइम डू नॉट लेट योर माइंड गेट क्लाउडेड विथ नेगेटिव थिंग्स एंड स्ट्रेस.